आप सोच रहे होंगे कि कौन है जुर्म की दुनिया का वो बादशाह जिसने सियासत भी की तो बादशाह की तरह। तो चलिए आपको इतना बताते चलें कि उस सियासी गुनाहगार का ताल्लुक बिहार से है। आगे जैसे जैसे हम उसकी ज़िंदगी के किताबों के पन्नों को खोलते जाएंगे, आप हकीकत से बाखबर होते रहें। तारीख 3 अक्टूबर 2007। आजाद हिंदुस्तान में सियासत के लिए काला दिन, जब अदालत की कलम से एक सियासतदान के लिए मौत की सजा मुकर्रर है। तमाम सबूतों और बयानों के मद्देनजर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मकतूल जी कृष्णैया की नृशंस हत्या और उसकी साजिश के मामले में आनंद मोहन सिंह, बलराम बहादुर सिंह सीधे तौर पर शामिल थे। लिहाजा ये अदालत आनंद मोहन सिंह, बलराम बहादुर सिंह को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का दोषी मानते हुए सजाए मौत का हुक्म देती है। इससे पहले भी ना जाने कितनी बार आनंद मोहन सिंह के खिलाफ अदालत की कलम से फैसला लिखा गया। इससे पहले भी कई मर्तबा वो जेल गया था, लेकिन वो वक्त था जब जेल की सलाखों में भी आनंद मोहन सिंह को उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी। 24 जुलाई 1975, गांधी मैदान, पटना। उम्मीदों के सैलाब को संपूर्ण क्रांति के नाम पर दर्ज किया गया था। लाखों नौजवानों ने जयप्रकाश नारायण की एक आवाज पर इंदिरा गांधी जैसी शक्तिशाली हुकूमत के खिलाफ हल्ला बोल दिया था। खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुकुम शहर कोतवाल का, हर खासो आम को आगाह किया जाता है कि खबरदार रहें और अपने अपने किवाड़ों को अंदर से कुंडी चढ़ाकर बंद कर लें, गिरा लें खिड़कियों के पर्दे और बच्चों को बाहर सड़क पर ना भेजें, क्योंकि एक 72 बरस का बूढ़ा आदमी अपनी कमजोर कांपती आवाज में सड़कों पे सच बोलता हुआ निकल पड़ा है। वो आपातकाल का दौर, विपक्ष के नेता जेलों में डाले जा रहे थे, लेकिन जेपी न रुकने को तैयार थे और न झुकने को। कुर्सी खाली करो कि जनता आती है कि नारे के साथ बदलाव की इस क्रांति में हजारों लाखों लोग जुड़ते गए, और उन्हीं में से एक था 17 साल का अदना सा छात्र। कहते हैं जब जेपी पर हुकूमत की लाठियां बरसने शुरू हुई तो कुछ लाठियां उसने अपनी पीठ पर भी खाई। कई दिनों तक चल फिर नहीं सका था आनंद मोहन, लेकिन जब बिस्तर से उठा तो वैकल्पिक राजनीति की बाहें उसका इंतजार कर रही थी। जातिगत राजनीति ने बिहार में आकार लेनी शुरू कर दी थी। हुकूमत के खिलाफ नफरत की इस क्रांति की वजह से आनंद मोहन सिंह ने न सिर्फ बगावत का झंडा उठाया, बल्कि पढ़ाई से नाता तोड़ निकल पड़े सियासी सफर पर। बिहार से निकलकर आनंद मोहन सिंह दिल्ली पहुंचा। वो साल था 1978, जब बिहार के इस नादान सियासी नेता के जिगर का लोहा सियासत के सरपरस्तों ने भी माना। तत्कालीन प्रधानमंत्री मुरारजी देसाई के सामने काला झंडा लहराने की कुव्वत दिखाई थी आनंद मोहन सिंह ने। बगावती तेवर और गर्म खून की वजह से आनंद मोहन सिंह के भीतर सियासी फसल तैयार होने लगी थी। वो साल था 1980, जब आनंद मोहन सिंह ने समाजवादी क्रांति दल के नाम से पार्टी बनाकर सियासी सफर का शंखनाद कर दिया। सियासत के शंखनाद के बाद संगीनों का साथ भी उसके शौक में शामिल हो गया था। फिर क्या था, संगीनों के साथ उसने बाहुबली नेता होने का खिताब जल्द ही हासिल कर लिया। और सच कहें तो उस दौर में बिहार की सियासी फिजा में बाहुबल के बिना सियासत की सोच भी बेमानी मानी जाती थी। खास तौर पर बिहार की सियासत की बात करें तो यहाँ या तो बाहुबल का दम दिखता है या फिर सियासी सरपरस्तों का साथ, और इसके लिए ज़रूरी है कि अपने लिए जनाधार तैयार किया जाए। आनंद मोहन सिंह ने
बिहार की सियासत के इस ककहरे को बखूबी याद कर लिया और वोट पर चोट करने के लिए राजपूत बिरादरी में अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी। वो 80 का दशक था जब आनंद मोहन सिंह ने पिछड़ी जातियों के खिलाफ दमन का दांव खेलना शुरू कर दिया। अंजाम से बेपरवाह आनंद मोहन ने संगीनों के साथ दमन का वो दौर शुरू किया कि गांव के गांव लाशों से पटने लगे, बेकसूरों के खून के छींटे किसी की भी आस्तीन पर लगे, लेकिन नाम आता था आनंद मोहन का। फिर तो पिछड़ों की सियासत करने वाली सरकार ने आनंद मोहन के खिलाफ न सिर्फ मुकदमों की फेहरस्त लंबी की बल्कि उस पर इनाम भी घोषित कर दिए। हुक्मरान के हुक्म पर दबिश का दौर शुरू हुआ और आनंद मोहन गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन सलाखों के सफर ने उसे ठाकुरों का निर्विवाद नेता बना दिया। यही वजह है कि थोड़े वक्त में ही उसे सियासत की सरपरस्ती भी हासिल हो गई और एक गुनहगार ने माननीय की हैसियत से बिहार विधानसभा में अपनी आमद दर्ज कराई। कह सकते हैं कि 90 का दशक आनंद मोहन सिंह की जिंदगी में स्वर्णिम काल साबित हुआ। एक तरफ आनंद मोहन की बिहार विधानसभा में विधायक की हैसियत से आमद और दूसरी तरफ आरक्षण की आग में जलता देश, यह वो मुफीद मौका था जब आनंद मोहन सिंह का कद सियासत में हर गुजरते वक्त के साथ बड़ा होता गया। एक बार फिर देश की हुकूमत के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकल पड़ी थी। प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने जैसे ही मंडल कमीशन की सिफारिशों पर सरकारी मुहर लगाई, देश आरक्षण की आग में जल उठा। लेकिन इस आग में भी आनंद मोहन सिंह को आस नजर आ रही थी। जी हाँ, सियासत की आस। देश धू धू कर जलने लगा और जातिगत राजनीति बिहार में आकार लेने लगी। आनंद मोहन ने अपने प्राइवेट आर्मी की मदद से मजलूमों पर जुल्म ठाना शुरू कर दिया। आनंद मोहन बेशक विधायक बन चुका था, लेकिन आरक्षण की आग को हवा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी उसने, वो भी बेखौफ और बेपरवाह। माननीय के दिल से कानून का खौफ जाता रहा था और परवाह इससे पहले भी उसने नहीं की, फिर भला अब क्या कर। संगीनों से लैस आनंद मोहन का दस्ता खौफ बनकर टूट रहा था, मगर उसी वक्त उस दस्ते के रास्ते में आया एक और बाहुबली जिसका नाम था राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव। फिर क्या था, बिहार की सड़कें लाल होने लगी और वर्चस्व की लड़ाई में जलने लगा पूरा सूबा। आनंद मोहन के लिए ये फैसले की घड़ी थी। बाहुबल के दम पर चल रही उसकी सियासत करवट लेने वाली थी, क्योंकि जिस मंडल कमीशन के खिलाफ उसने आवाज बुलंद की थी उसे उसी जनता दल का समर्थन हासिल जिसके बैनर तले जीत कर वो विधानसभा पहुंचा था। लिहाजा आनंद मोहन सिंह ने जनता दल से किनारा किया और अपनी अलग पार्टी बनी। वो साल था 1993 जब आनंद मोहन सिंह का ग्राफ न सिर्फ सियासत के बाजार में बल्कि जुर्म के बाजार में भी बढ़ता जा रहा था। यही वजह है कि बाहुबल ने न सिर्फ कोसी इलाके में दमखम दिखाया बल्कि 1994 में आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने वैशाली सीट से जीत का परचम लहराकर पहुंच गई देश की सबसे बड़ी पंचायत। सियासत में मकाम मिला तो आनंद मोहन को आहिस्ता आहिस्ता राजसत्ता का आनंद भी आने लगा। फिर सही गलत के बीच के सारे फासले पाट दिया आनंद मोहन। तारीख 5 दिसंबर 1994, मुजफ्फरपुर, बिहार। गोपालगंज के कलेक्टर जी कृष्णैया की सरेआम और सरेराहा पीट पीट कर हत्या कर दी। और इस सनसनीखेज वारदात के मुख्य आरोपी के तौर पर नाम आया आनंद मोहन सिंह। इसके साथ ही दर्ज मुकदमे में कानून की कलम से सांसद लवली आनंद, मंत्री रह चुके अखलाक अहमद, बाहुबली मुन्ना शुक्ला के साथ अन्य लोगों पर भी हत्या में शामिल होने का आरोप लगा। जी कृष्णैया के हत्या के आरोप में आनंद मोहन सिंह अपनी पत्नी और सहयोगियों के साथ सलाखों में कैद कर दिए गए।
मगर इसके बावजूद सलाखों के पीछे से उसने अपनी सियासत जारी रखी। एक बाहुबली सलाखों में कैद हो गया, लेकिन अपनी सियासी कसक पूरी करने के लिए उसने सलाखों से अपने सियासी सफर को जारी रखा। वो साल था 1996। अपने सियासी फायदे के लिए आनंद मोहन ने लालू यादव के पहलू में पनाह ली थी और चुनाव नतीजे के साथ उसे उसका फायदा भी मिला। आनंद मोहन सिंह शिवहर से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर पहुंच गया देश की सबसे बड़ी पंचायत में। जीत का सफर यही नहीं थमा, बल्कि 1998 के लोकसभा चुनाव में लालू की सरपरस्ती में एक बार फिर आनंद मोहन सिंह ने जीत हासिल की। पर इससे पहले कि वो जीत का इत्मीनान महसूस कर पाता, एक साल बाद ही 1999 में बीजेपी के अनवारुल हक ने आनंद मोहन सिंह को शिकस्त दे दी। बेशक आनंद मोहन सिंह के दामन पर कई दाग थे, मगर कहते हैं ना कि सियासत में ये दाग अच्छे होते हैं। अपने दागदार दामन के साथ न सिर्फ आनंद मोहन सियासत में बना रहा, बल्कि अपने सरपरस्तों के लिए वो मजबूरी भी हो गया था। बिहार में जातिगत राजनीति आकार ले रही थी और आनंद मोहन सिंह भूमिहार और राजपूत वोट को किसी भी पार्टी के हक में ले जाने के लिए सियासी सौदागर के किरदार में सामने आया, कभी लालू के लिए तो कभी नीतीश कुमार के लिए। हालांकि साल 2005 में नीतीश कुमार के हक में खास जाति विशेष के वोट को मैनेज करने में अहम भूमिका निभाई थी आनंद मोहन सिंह, लेकिन सच तो ये है कि अब उसके बुरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी। सलाखों में कैद आनंद मोहन का सियासी सूरज बस अस्त होने ही वाला था। तारीख 3 अक्टूबर 2007, पटना की सेशन कोर्ट ने सबूतों की रोशनी में आनंद मोहन सिंह के लिए फांसी की सजा मुकर्रर कर दी। आनंद मोहन के साथ साथ दो अन्य लोगों को भी जी कृष्णैया की हत्या का दोषी करार देते हुए अदालत ने फांसी की सजा दी। आजाद मुल्क में यह पहली बार था जब किसी सियासी नेता के लिए अदालत की कलम से फांसी की सजा मुकर्रर की गई हो। हमसे और आपसे तो बहुत प्यार से बात करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनमानस में इनके लिए खौफ तो निश्चित तौर पर होता था कि आम आवाम इनसे मिल नहीं पाता था। मिल नहीं पाने का इन द सेंस कि आम आवाम इनके पास जाने से गुरेज करता था कि भाई चलो, हम मैक्सिमम कोशिश होती थी कि इन लोगों के पास नहीं जाएं और इसी तरह से माने पुलिस प्रशासन या ऐसे भी जो भी उस तरह का काम हो। लेकिन हाँ, यह बात था कि ये लोग जात पात से अलग हट करके अगर यदि थोड़ी सी भी पीड़ा किसी की जानकारी मिलती थी, ये लोग जाते थे उसके उसको मदद करते थे। तो इसलिए पॉपुलैरिटी हम कहें तो इन लोगों की बहुत ज़्यादा होती थी और उस लिहाज से माने लोग कहता था लोग कि ये बाहुबली हैं, जनबली। उसके बाद से लोग कहने लगा कि नहीं, ये लोग जनबली हैं, लोकतंत्र में जनबली की पूछ होती है। तो ऐसे में जो है सो इन लोगों की पूछ भी बढ़ी। जबकि हत्या के इस मामले में आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद समेत चार लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ना उम्मीद आनंद के लिए उम्मीद की किरण अभी बाकी थी। और फिर आई एक और तारीख, 10 दिसंबर 2008। पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए न सिर्फ आनंद मोहन सिंह को जीवन दान दे दिया, बल्कि सबूतों के अभाव में बाकी सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। पटना हाईकोर्ट ने आनंद मोहन की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। सलाखों के पीछे रहने वाले आनंद मोहन के लिए पटना उच्च न्यायालय का ये फैसला किसी सौगात से कम नहीं था, क्योंकि सलाखों के पीछे रहकर सियासत का सफ़र जारी रखने वाले आनंद मोहन सिंह अकेले नहीं हैं, बल्कि ऐसे नेताओं की बिहार में भरमार है। आनंद मोहन को उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन साल 2012 में पटना हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम मोहर लग गई और बाहुबली आनंद मोहन सिंह की सियासत सलाखों में कैद होकर रह गई। लेकिन सच तो यह भी है कि उसका बाहुबल सलाखों का मोहताज नहीं रहा। मौका देखकर सियासी रंग बदलने में माहिर आनंद मोहन सिंह ने साल 2010 में नीतीश कुमार का साथ छोड़ कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। बेशक जुर्म के बाजार में आनंद मोहन का सिक्का चलता था, बेशक सियासत के गलियारों में भी उसकी ठसक बरकरार थी, लेकिन जनता के दिलो दिमाग से उसके बाहुबल का रंग उतरने लगा था। यही वजह है कि लवली आनंद कांग्रेस के टिकट पर सियासी समर में उतरी जरूर, लेकिन शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक वक्त था जब आनंद मोहन सिंह कभी लालू की जरूरत बने तो कभी नीतीश उसके साथ गलबहियां करते नजर आए। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त की नब्ज को पकड़कर सियासी गलियारों में सफर तय करो
तो मिलती है कामयाबी, वरना नाकामी तो आपके दरवाजे बैठी है। और यही हुआ आनंद मोहन सिंह के साथ भी। साल 2010 के बाद आनंद मोहन सिंह की सियासी चमक फीकी पड़ने लगी। अब ना लालू की जरूरत रहे आनंद मोहन और ना ही नीतीश की। हालांकि कोसी इलाके की बात करें तो आनंद मोहन की पूरी ठसक वहां खत्म नहीं हुई थी, मगर सियासत का सफर को जारी रखने के लिए बची खुशी ठसक नाकाफी थी। और यही वजह थी कि जब भी आनंद मोहन सिंह की पत्नी ने सियासी समर में टाल ठोका, उन्हें शिकस्त मिली, चाहे बात विधानसभा चुनाव की कर लें या लोकसभा चुनाव। सबूतों की रोशनी में सजा हुई, लेकिन लवली आनंद को लगता है कि अदालत की यह सजा भी सियासी ही है। पर दामन पर दाग इतने हैं कि न लवली आनंद की दलील को कोई सच मानेगा और न ही उसके चंद समर्थकों की, क्योंकि गुनाहों की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि उसके अतीत की गवाही ने उसे कभी बेदाग नहीं होने दिया। ये बात और है कि जब तक सियासतदानों की सरपरस्ती में रहा, गुनाह की इबारत लिखता रहा, लेकिन मजाल है कि किसी गुनाह में उसे सजा हो जाए, पर कत्ल की फितरत और गुनाह की आदत ने उसे गुनहगार बना ही दिया। हाल ही में 15 दिन के पैरोल पर आनंद मोहन सिंह अपनों के बीच थे, लेकिन उनके लफ्जों में बाहुबल का ठसक आज भी जिंदा है। सियासत की आड़ में दामन दागदार होते भी रहे और बाहुबल की चौखट पर सजदा करने वाली बिहार की मजबूर सियासत हमेशा उसे बेदाग कहती और करती रही। पर एक गुनाह ऐसा था जिसने न सिर्फ उसकी सियासत को उम्र भर के लिए सलाखों में कैद कर दिया, बल्कि कर दिया उसके बाहुबल के दम को भी बेदम। कातिल ने बड़े सफाई से धोए हैं आस्तीन, जानता कोई नहीं पर लहू बोलता है। जी हाँ, करीब 2 दशक तक अपने दामन पर लगे खून के धब्बों को धोता रहा आनंद मोहन, मगर सरे रहा जी कृष्णैया के खून के छींटे जो उसके दामन पर लगे, उसे ना सियासत धो पाई, ना उसका रसूख और ना ही बाहुबल।